रॉकी एंड वेक अप। मैं 5:36 तक मैं जिम पहुंचने वाला हूँ बनाना और शेक, जिससे कि मुझे एनर्जी मिले। आई कैन वर्क आउट। मिस जेन्युइनली वाज दिस थिंग, लिटरली आदत हो गया इसका। Hey guys, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग पे। आई होप आप सब सही हो, सेफ हो एंड यू आर गुड। सो आज का जो ब्लॉग होने वाला है, इट्स ऑल अबाउट माई वर्कआउट, ईटिंग, माई वर्क प्लेस जहाँ मैं फिर से जाने वाला हूँ। सो ऑल इन ऑल अ डे विथ मी एंड यस दैट गाय हु वर्कआउट विथ मी, जो बिगिनर था लाइक 2 महीने पहले, वो भी मेरे साथ वर्कआउट करने वाला है। सो बने रहे वीडियो में एंड तक, लॉट्स ऑफ थिंग्स गोना हैपन। अब बज रहे हैं दिन के 10:30। अब मुझे जाना है माय वर्क प्लेस। जाने से पहले द थिंग व्हिच आई डू इज टेक अ कप ऑफ टी। आगे एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे बहुत बहुत अच्छा चाय मिलता है, वहाँ पे जाएंगे, फिर साइट जाएंगे प्लेस वेयर आई वर्क। उससे पहले जब मैं घर जाता हूँ, द वन थिंग व्हिच आई मिस्ड द मोस्ट, यू वांट टू सी, देखिए मैं किसको सबसे ज़्यादा मिस किया। आउट ऑफ टू थिंग्स, द थिंग व्हिच आई मिस जेन्युइनली वाज दिस थिंग, लिटरली इससे दूर लाइक आदत हो गया इसका। सो दिस द थिंग व्हिच आई जेन्युइनली मिस्ड एंड अब ये आ गया है, बट कार चला गया है, घर पे रह गया है, इट्स ऑल राइट। सो लेट्स मूव। साथ में किसी और को भी मिस किया था, यू वांट टू सी। हे रॉकी कम, इनएक्टिव होके पड़ा है, अभी घूम के आया। रॉकी हैंस अब टायर्ड हो गया है, वेक अप। कोई नहीं, इससे बाद में मिलेंगे, काम पे चलते हैं। गाइज आई रीच्ड माई वर्क प्लेस, बट अनफॉर्चुनेटली वो चाय का दुकान बंद था, आई कुडंट टेक द टी। आई शो यू कि मैं वाकई में पूरे टाइम जब काम पे जाता हूँ कहाँ पे जाता हूँ। जस्ट चेक आउट दिस प्लेस। वेल दैट्स द प्लेस वेयर आई वर्क, माई पर्टिकुलर साइट ओवर देयर, वहाँ काम होता है। बेसिकली हु डोंट नो, आई एम अ सिविल इंजीनियर, बट आई डू फॉर माई लिविंग। एंड चेक आउट दिस प्लेस, लाइक इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ थिंग वेयर यू वर्क। मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं करता, सो या दैट्स द प्लेस वेयर आई वर्क। आगे आगे और भी है वहाँ पे, अब फिलहाल काम वहाँ पे चल रहा है। वेयर आई नीड टू चेक, आई एम गोना शो यू, वहाँ पे काम चल रहा है। अगर चेक जो काम हो रहा है सही हो रहा है या नहीं, या दैट्स अबाउट माई वर्क प्लेस। आई एम बैक टू होम। अब बज रहे हैं वन ओ क्लॉक, तो लंच टाइम। अब मैं गेनिंग में हूँ, लाइक साइज गेन करना है, मास मसल गेन करना है, सो पैक्ड बहुत सारा खाना है। आई एम शोइंग यू व्हाट आई एम गोना टेक इन माय लंच। यहाँ तक मेरे लंच का सवाल है, पैक्ड विथ राइस, पनीर कितना सारा देख रहे हो वेज में, दाल के साथ नो कॉम्प्रोमाइज दही। उसके बाद वर्कआउट के बाद मैं सोया चंक्स खाने वाला हूँ, सोया 100 ग्राम। सो दोज आर द थिंग्स आई एम गोना ईट राइट नाउ। ऑल फिर मिलते हैं प्री वर्कआउट मील में। गाइज यू कैन सी माय ओट्स बनाना शेक, मास गेनिंग शेक रेडी है, विच आई एम गोना कंज्यूम नाउ। इट्स 4:30, इट्स 4:45 एक्चुअली राइट नाउ, एंड मैं 5:36 तक मैं जिम पहुँचने वाला हूँ। उससे पहले बनाना और शेक, जिससे कि मुझे एनर्जी मिले, आई कैन वर्कआउट। सो दैट्स व्हाट आई एम टेक राइट नाउ। फिर चलेंगे जिम, वर्कआउट करेंगे। आज बैक का वर्कआउट करना है कम्प्लीटली, बहुत हैवी वर्कआउट करना है, सो उसके लिए ताकत चाहिए। मिलते हैं जिम में और ऑन द वे।
गाइस वर्कआउट हुआ खत्म एंड आई एम बैक टू माय होम। अब मुझे बनाना है डिनर, बहुत टाइम के बाद कुकिंग करने वाला हूँ। एंड वीडियो का करते हैं यहाँ पे ख़त्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगे तो लीव अ लाइक एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आपका एक एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट थर्सडे। पीस।